कुछ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहां पर मंत्री रविंद्र शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश की जनता झीरम कांड को भूल गई, जिसमें हमारे 34 कांग्रेस जनों की शहादत हुई थी, नरसंहार हुआ था और पूरे प्रदेश की जनता ने उसको सुपारी किलिंग माना था। सारकेगुड़ा एरसमेटा तालमेटला की कांड को हम भूल गए, झालियामारी दुष्कर्म, हॉस्टल में 12-12 बच्चियों के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी आप ही के शासनकाल में दुर्दांत रेप की घटना हुई थी, मीना खलको के रेप, आदिवासी बाला की हत्या, माननीय रमन सिंह जी के समय उन्हीं के पुलिस फोर्स के द्वारा इस कांड को कोई भूल गया? अंतागढ़ टेप कांड, लोकतंत्र की हत्या, सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, पैसे और तिजोरी का खेल, क्या जनता भूल गई? इस प्रदेश में मुन्ना भाई एमबीबीएस तो हम लोगों ने देखा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी परीक्षा में उसके नाम से कोई दूसरा बैठे, इसी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में मुन्ना भाई मुन्नी भाई प्रकरण हुआ, पोरा भाई प्रकरण हुआ, परीक्षा दी नहीं और हायर सेकेंडरी के बोर्ड में प्रथम स्थान, ये रिकॉर्ड डॉक्टर रमन सिंह जी ने। आप लोगों ने नसबंदी कांड को भूले नहीं होंगे, 19-19 महिलाओं की नकली दवाइयों के कारण हत्या, नसबंदी कांड में बालोद के और रायपुर के आग फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पूरे छत्तीसगढ़ के बाजार को आपने नकली दवाइयों का बाजार बना दिया था, क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसको भूल गई? हजारों हजार किसान की आत्महत्या, 15 साल के उनकी हुकूमत में लगभग 3,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। प्रेस के हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ अनेक स्थानों में गए थे, क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? बेरोजगारों की आत्महत्या, यहाँ क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? डीएमएफ फंड की बातें होती हैं, किस प्रकार से घोटाले पे घोटाले डीएमएफ फंड में प्रदेश में किए गए, क्या डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को भूल गए? शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, एक साल केवल एक साल कमीशन खाना बंद कर दो, हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। उनकी खुद की बैठक में शराब के कमीशन पे लड़ाई हुई थी, हम लोग जानते हैं। महानदी पानी का बेचने का मामला, अकबर भाई का विधानसभा का प्रश्न था, आठा टेलीकट उद्योगपतियों के पैसे से बनाए गए और विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि पानी महानदी का उपयोग कौन करेगा, तो दुर्भाग्य से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर देते हैं कि इस पानी में किसानों का एक बूंद पर भी हक नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, आदरणीय साथियों, एमओयू करके पूरे प्रदेश के जमीन को बेचने का मामला, कितनी जमीन बेची गई थी? अकेले जांजगीर जिले की 3 फसली जमीन, 60,000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन का आपने एमओयू किया, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट करके आपने 3,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही, केवल पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ की जमीन बेची और एक भी उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाए। शैक्षिक स्टैंडर्ड और सीडी कांड ये अंतिम पड़ाव था इस सरकार का। ये मैं 15 साल के 180 दिनों के 18 बड़े बड़े कांडों को आपके सामने उजागर किया। मैं तो चाहता हूँ वानप्रस्थ उम्र में जाते जाते डॉक्टर रमन सिंह जी इन बातों का जवाब दे,
अभी मैं कुछ घोटालों पे आऊंगा, उसके पहले मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि जो 15 साल के 3 बड़े बड़े चुनाव में उनके शपथ पत्र, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, उनकी वायदों को उनको याद दिलाए, ताकि उनको स्मरण हो जाए कि कितना वादा खिलाफी इस प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने किया। आदरणीय अकबर भाई, सभी का 1 नवंबर 2019 छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसके बाद 4 चुनाव हुए, 2003, 2008, 2013, 2018। जैसे कि माननीय रवि चौबे जी ने कहा कि उनकी घोषणाओं के बारे में उनको याद दिलाना है, 2018 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी घोषणा पत्र को जनता ने नकार दिया, उनकी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन 2003 में जो वायदे हुए थे उसमें 4 प्रमुख वायदे थे, वायदे तो बहुत सारे थे लेकिन जो पूरे नहीं हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद हर आदिवासी परिवार को एक गाय, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 5 हॉर्स पावर का बिजली का पंप फ्री और हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी। समय बीत गया, 2003 का घोषणा पत्र, 2020, 1.5 साल से हमारी सरकार है, इसको घटा दें तो 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ, 3 महीने तो पूरा बंद में निकल गया, 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे। तो सीधे आप रायपुर से सुन रहे थे वन मंत्री मोहम्मद